हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 56 वो किचन में। आज की हमारी रेसिपी है आलू की टिक्की। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए किस किस इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, मक्के का आटा, आप चाहें तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 ब्रेड, इसे आपने छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर इसका चूरा बना लेना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने 8 से 9 आलू लिए हैं, आप चाहें तो सर्विंग के अकॉर्डिंग आलू को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर कुकर रख लेंगे, कुकर को थोड़ी देर गर्म होने देंगे, फिर उसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद उसमें हम अपने आलू डाल देंगे, फिर उसे 5 से 6 मिनट के लिए उबलने देंगे। दोस्तों, हमने 4 सीटी लगवा के गैस को बंद कर दिया है। अब हम ढक्कन को खोलकर देखेंगे कि हमारे आलू पके हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, हमारे आलू अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों, आलू को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और इसे हमने छील भी लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मैश करेंगे। दोस्तों, हमने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि हमारे आलू ठंडे हो जाएं। दोस्तों, हमने मैश करा हुआ आलू एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम उसमें क्रम्बल करी हुई ब्रेड डालेंगे, साथ में हरी मिर्च भी डालेंगे, धनिया डालेंगे और 2 चम्मच मक्के का आटा डालेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। दोस्तों, अगर आपको नमक कम लगे तो आप टिक्की बनने के बाद में भी उसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इन मसालों को मैश आलू में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमारे मसाले और मैश किए हुए आलू अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसकी पिट्ठी बना लेंगे, जैसे कि आप पराठे की बनाते हैं। हमारी पिट्ठी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अब हम इसकी आलू की टिक्की बना लेंगे छोटी छोटी। टिक्की बनाने के लिए आप अपने हाथ में तेल भी लगा सकते हैं। फिर आपने थोड़े से आलू हाथ में लेने, इसको आप गोल गोल करें और इसे हल्के से प्रेस करके रख दें। दोस्तों, हमारी टिक्कियां तैयार हो चुकी हैं। हमने टोटल 11 टिक्कियां बनाई हैं और ये देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रही हैं। इनके सामने बाज़ार की टिक्कियां भी फेल हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर तवा रखेंगे, तवा को थोड़ी देर गर्म होने दें, फिर तवे को आप अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर लें। दोस्तों, तवे की ऑयलिंग करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालेंगे, जिससे कि हमारी टिक्की अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और जले ना। तेल ज़्यादा होने से हमारी टिक्की तवे से चिपकेंगी नहीं। दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपनी टिक्की डाल देंगे। टिक्की को आपने बहुत प्यार से डालना है और इसे जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये क्रंची और क्रिस्पी ना हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारी टिक्की गोल्डन होना शुरू हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये पक रही है अच्छी तरीके से। बीच बीच में आप टिक्की को पलटते रहें ताकि दोनों तरफ से ये अच्छी तरीके से पक जाए। दोस्तों, हमारी टिक्की तैयार हो चुकी हैं और देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रही हैं। टिक्कियाँ हमारी कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनी हैं, देखने में भी एकदम गोल्डन कलर की लग रही हैं। तो आइए दोस्तों, अब इसे सर्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने एक कटोरी ली है, फिर उसमें हमने 2 टिक्कियाँ डाली और इमली वाली चटनी डाली है, फिर हमने उसमें धनिया वाली चटनी डाली है और साथ में हमने दही डाल दिया है और हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रही है और स्वाद भी काफ़ी लाजवाब आने वाला है। तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।